मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में हो या फिर ट्वेल्थ क्लास में, उसका डर बना ही रहता है. अब चाहे वो नॉर्मल एग्जाम्स दे रहा हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहा हो, ये डर बरकरार रहता है. एंड आपके इसी डर को भगाने के लिए एंड सारे ही डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट विथ नन अदर देन आवर फेवरेट सतीश सर, जिसमें वो आपके सारे ही डाउट्स को करेंगे क्लियर एंड आपको बताएंगे कि मैथ्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स आपकी डेली लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं. तो आइए सुनते हैं बाय सतीश सर. हाय सतीश सर. हाय मैम. सर मैं बढ़िया हूँ. सर आज मैं लेकर आई हूँ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो भी मैथ्स में. जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डरते हैं कि मैथ्स तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो या फिर ट्वेल्थ क्लास का बच्चा हो, उसे डर लगता ही है. तो एज अ मैथ्स फैकल्टी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैथमेटिक्स से इतना डर क्यों? यार मैथमेटिक्स से बच्चा बिना ही मतलब डरता है, सही बताऊं आपको, कि कोई डर नहीं है ऐसा. वो क्या है, प्रैक्टिस नहीं करता. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. बच्चा मतलब जैसे स्टार्टिंग से 10th स्टैंडर्ड हो गया, 8th स्टैंडर्ड में वो अपने बेसिक्स छोड़ देता है. वो बस एग्जाम में परसेंटाइल लाने की कोशिश करता है, परसेंटेज लाने की कोशिश करता है, और चक्कर में अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट छोड़ देता है. तो वो बस वहां पर उन्हीं क्वेश्चन को कर लेता है. बट मेरे हिसाब से वहां पर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे को मैथ्स में डर नहीं लगेगा. और एक बार अगर आपका एक कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा है और उस टॉपिक को आप अगर पढ़ रहे हो, तो फिर बच्चे को वो टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और वो समझ लेता है मैथ्स डिफिकल्ट है यार, अब मैथ्स तो ना हो पा रहा भाई. तो मतलब इस तरीके के और मिथ भी बना हुआ है फिर इस तरीके से. बहुत थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज होता है, नो डाउट. आपको मेंटली कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, तो टेबल्स भी लर्न करनी पड़ती है. तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चा बोलता है डिफिकल्ट है. बट डिफिकल्ट नहीं, अगर समझा जाए तो बहुत आसान है. सर आपने कहा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइंड में रखनी ही पड़ेगी? यार देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं. एक टाइप का स्टूडेंट जिसके बेसिक्स भी क्लियर है और उसने पीसीएम भी लिया है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि वो पीसीएम ले रहा है तो उसके बेसिक्स बढ़िया है तभी वो पीसीएम ले रहा है. लेकिन जब सेकंड टाइप का स्टूडेंट आता है, बोलता है यार पीसीएम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने तो बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ के जबरदस्ती रट रट के मैथ्स पास की है, 10th क्लास पास की है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है. तो उन लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट. तो बेसिक्स हम सारे खत्म करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका बेसिक खत्म करेंगे, फिर उसके मॉडरेट लेवल पर जाते हैं, देन हाई लेवल पर जाते हैं. तो बच्चा उन क्लासेस को देखकर अपना पुराना पूरा बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद वो हमारे जो आरएसएम के लेवल बने उनको कंप्लीट कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके उनके बेसिक लेवल के खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस. और अगर वो चाहता है कि नहीं यार ये इनफ नहीं है, थोड़ा सा और मैं करना चाहता हूँ, अब तो मैथ्स में मजा आने लगा जो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जैसे आरएस इकबाल बुक हो गई, कुछ भी बुक उठा के वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है. अगर मैं आईपी मेट की बात करूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से वो बच्चा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है. सर अब नॉर्मल मैथ्स की तो बात हो गई, मैथमेटिक्स आईपी मैट में क्या रोल प्ले कर रहा है? अगर मैं मैथ्स आईपीएम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड होती है. एक आपका पार्ट होता है अर्थमेटिक पार्ट और एक होता है हायर मैथ्स पार्ट. तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं यार हायर मैथ्स हमसे बनता नहीं है, तो इसलिए बच्चे आईपी मेट की प्रिपरेशन नहीं करते. बट ऐसा नहीं है. अगर आप पिछले ईयर्स के पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर आपको अर्थमेटिक के 8 to 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां से. और कुछ कुछ एग्जाम में तो लोगों ने अर्थमेटिक से अपने कट ऑफ क्लियर किया है, थोड़ा बहुत हायर मैथ्स पढ़ना पड़ता है, राइट. तो यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं है आईपी मेट में मैथ्स, जो लोग सोचते हैं कि आईटी जेई लेवल का है, नो इतना नहीं है. तो सर बेसिक डिफरेंस क्या है फिर अर्थमेटिक मैथ्स में और हायर मैथ्स में? ओके, तो अर्थमेटिक और हायर मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, अर्थमेटिक आपका होता है 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ्स है, बस वही आपका अर्थमेटिक होता है. बाकी हायर मैथ्स क्या है, जहां पर अपना एलजेब्रा आ जाता है थोड़ा बहुत, राइट, लॉग्स आ जाते हैं, एपी जीपी आ जाता है, मतलब ये हायर मैथ्स का पार्ट है जो 11th स्टैंडर्ड से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है. कुछ बच्चों का पीसीएम नहीं रहता तो वो वहां पर परेशान हो जाते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, आईपी मेट में तो हायर मैथ्स आता है, बट उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है. अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है. सर एक क्वेश्चन आया माइंड में कि अभी आपने कहा कि अर्थमेटिक अगर हम पढ़ लें तो आप इंदौर का पेपर निकाल सकते हो. अब अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करती हूँ एंड हायर मैथ्स पे थोड़ा कम फोकस करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट, तो क्या उससे मैं आईपी मैट इंदौर निकाल लूंगी?
देखो मैम आईपीमेट इंदौर आप निकाल सकते हो, कुछ बेसिक टॉपिक आप हायर मैथ्स के वहां पर सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि पूरा अर्थमेटिक पढ़ लिया और आपने बोल दिया सर मैं कट ऑफ निकाल देती हूँ। कट ऑफ निकाल के ही क्या कर लोगे आप, आपको तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको हायर मैथ्स के उठाना पड़ेगा, राइट। तो हायर मैथ्स से जैसे कुछ इजी टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत आसान होते हैं, बच्चे वो आसानी से कर लेते हैं, लॉगरिदम हो गया, राइट, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है, इसके बाद मैट्राइसिस डिटरमिनेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पार्ट भी वो कर सकता है, तो कुछ टॉपिक आसान होते हैं वहां से बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है। तो और यही अगर हम बात करें तो रोहतक और जिपमेंट में भी यही टॉपिक ज्यादा आते हैं, अर्थमेटिक तो पूरा आता है, मैक्सिमम 80-85% तो आपका अर्थमेटिक है, राइट, उसमें अगर नंबर सिस्टम भी मैं ऐड कर दूं तो नंबर सिस्टम भी आएगा आपका, लॉगरिदम भी आएगा, थोड़ा बहुत एलजेब्रा का पार्ट भी आएगा, बेसिक एलजेब्रा का, और एपीजीपी ये वाला पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह आता रहता है वहां पर। सर आपने भी कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए मुझे, तो आप मुझे बताइए कि उन बेसिक टॉपिक को क्या मुझे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर मुझे सिर्फ उन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए बजाय अदर टॉपिक्स के। देखिए मैम यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको बेसिक टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप कॉमनली आप सोच रहे हैं कि हम रोहतक की तैयारी भी कर रहे हैं, जिपमेंट भी कर रहे हैं, इंदौर भी कर रहे हैं, तो आपको अर्थमेटिक पार्ट को नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वहां पर काफी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ हायर मैथ्स के जैसे मैंने कुछ टॉपिक बताया बेसिक टॉपिक, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक जिपमेंट में भी आते हैं रोहतक में भी आते हैं, राइट, तो वो टॉपिक कंपलसरी उनके लिए करना। तो सर इसके लिए मैं पर डे कितनी आवर्स को डिवाइड करूं, लाइक अगर मुझे दो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो क्या मुझे पर डे मैथ्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है या फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उसे प्रैक्टिस कर सकती हूं? मेरे हिसाब से मैथ्स को इन्हें दो पार्ट में जैसे मैंने बोला अर्थमेटिक और हायर मैथ्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, तो उन्हें दो सब्जेक्ट मानना चाहिए, चलो मैथ्स दो सब्जेक्ट है आसान बनाने के लिए, राइट, तो एक दिन अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं एक दिन आप हायर मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो टाइम को। और कुछ बच्चे बोलते हैं एक और बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है कि सर पर डे मुझे मैथ्स को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अरे भाई तू दिन भर पढ़ ले मैथ्स को, अगर तूने 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किए उस दिन भर में, तूने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाया है और तू बोल रहा सर मैंने दिन भर मैथ्स पढ़ा है तो क्या मतलब का। तो मेरा कहना यहाँ पर ये रहेगा थोड़ी सी बच्चे को टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए कि भाई आज मैं अर्थमेटिक का प्रैक्टिस करना, आज मैं अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक के आज मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, भले चाहे वो एक घंटे में कंप्लीट कर ले या 2 आवर्स में कंप्लीट कर ले, राइट, और जो टाइम बचेगा दूसरे सब्जेक्ट को उसे देना चाहिए, फिर टेस्ट वगैरह दे देना चाहिए। सर आई एग्री विद योर वर्ड्स कि बच्चों को रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही चाहिए, बट सर होता ये है ना कि स्टूडेंट्स की इतनी स्पीड ही नहीं होती है। अब अगर आज मैं एक स्टूडेंट बन के बात करूं जिसका पीसीएम नहीं था सब्जेक्ट, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन नॉट सॉल्व 50 क्वेश्चंस इतनी इजीली जितना एक पीसीएम वाला स्टूडेंट कर लेता है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखो मैम सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा बच्चे को, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास में शीट करवाई जाती है उस शीट को प्रैक्टिस करना चाहिए। उस शीट में क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां पर रखते हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट वहां पर 90% क्वेश्चन तो वहां पर हम टाइप के खत्म कर देते हैं। तो अगर बच्चा उस शीट को खुद एक बार सॉल्व करता है तो उसको कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट और ये अप्रोच लगाई जाती है। फिर उसके बाद वो बेसिक लेवल स्टार्ट करे, बेसिक लेवल स्टार्ट करने के बाद वो लेवल 2 स्टार्ट करे, जो हम शीट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर बहुत सारी बुक्स में लेवल 1 लेवल 2 करके डिवाइड किया गया। ये करने के बाद ये मैं पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बता रहा हूँ कि मान लो बच्चे ने परसेंटेज टॉपिक उठाया तो परसेंटेज टॉपिक की उसको क्लास शीट खत्म करना है। क्लास शीट खत्म करने के बाद उसको क्या करना है कि भाई लेवल 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेवल 2 के करना है। फिर वहां पर पोर्टल पर हम लोग टेस्ट देते हैं, पूरे परसेंटेज के टॉपिक वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं, तो उसको उन टॉपिक को सॉल्व करना है। अब बच्चे वो टॉपिक टेस्ट लगाएगा वहां पर, उन टॉपिक टेस्ट को प्रैक्टिस करेगा, तो जब टेस्ट एंड हो जाएगा और वो देखेगा कि यार मुझसे तो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, अब वो जब एनालिसिस करेगा वहां पर उस टॉपिक टेस्ट का और वो देखेगा कि यार विद इन टाइम लिमिट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, बट वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा था, विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाया बट वो क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व हो रहा था, इसका मतलब वो क्वेश्चन बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे उस क्वेश्चन को कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है कि उतने टाइम में वो उस क्वेश्चन को सॉल्व उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता। तो अब ये समझ में आता है दो टाइप की चीजें होती है कि क्वेश्चन बन रहा है उसके बाद विद इन टाइम हम नहीं कर पाए, इसका मतलब उसे थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे बने ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसने नहीं देखे हो या फिर टाइम की कमी की वजह से वो नहीं सोच पाया उस लॉजिक को। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस करेगा, मॉक देगा, वीक एरियाज को देखेगा, ये एरिया मेरा इस टॉपिक में वीक है या फिर ये टॉपिक ही पर्टिकुलर वीक है, उस पर मेहनत करेगा, डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ।
सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैथ्स तो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, सब्जी लेने जाते हो आप, कैलकुलेशन वो भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है आपसे। हाँ, आई थिंक वो मेंटल कैलकुलेशन करता है। जिसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, स्टूडेंट को भी सुनने में अच्छा लगेगा। और मैं बोलता हूँ थोड़ा मेंटल मैथ्स आपको आना चाहिए। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो भाई, तो आपको बस बता दिया उसने, आपने ले आया, आपने कभी उसको हिसाब नहीं लगाया, गुणा भाग आपने कुछ नहीं लगाया, सीधा लेके आ गए। तो एक क्वेश्चन बनता है, जैसे पेट्रोल पंप पर आप जा रहे हैं, मान लो पेट्रोल भरवाने जा रहा है कार में, बाइक में, जिसमें भी, तो जैसे क्वेश्चन बनता है प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय सपोज 20%। तो गाइस प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज हो गई है 20% से, राइट? तो क्वेश्चन बोल रहा है बाय हाउ मच परसेंट इट्स एक्सपेंडिचर शुड बी डिक्रीज सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब वो एक्सपेंडिचर को कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं और प्राइस बढ़ गई है, राइट? प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं, मतलब पहले जितने का वो पेट्रोल डलवा रहा था आज भी उतने के डलवाना चाहता है, बट प्राइस बढ़ गई है, मतलब पहले ज्यादा लीटर पेट्रोल डलवा रहा था अब कम डलवा रहा है। तो ये क्वेश्चन मेंटली हो जाते हैं, राइट? तो उसको अपने कंजम्पशन कितना डिक्रीज करे, मतलब कुछ कम पेट्रोल खरीदेगा ऑब्वियसली। तो इन क्वेश्चन को हम ओनली कर सकते हैं जैसे रोहतक में आते हैं, जिपमेट में आते हैं, बच्चा इनको ओनली कर सकता है। जैसे 20% उसका फ्रैक्शन बनाओ 1/5, राइट? तो 5 डिनोमिनेटर में, तो अगर वो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो 5 में आप न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दो, राइट? बात समझ में आ रही? तो कितना बना 20% का 1/5, 1 ऐड कर दिया 1/6, तो 1/6 मतलब 16 2/3% से वो अपना कंजम्पशन डिक्रीज करे। तो ऐसे क्वेश्चन मेंटली हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए गाइस। वही सबसे ज्यादा फोकस हमें मतलब प्रैक्टिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथ्स तो डेली लाइफ में ही कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को इतना डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूं सर, जैसे हम देखते हैं कि आप लोग काफी सारे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, सर एक स्टूडेंट को कितने मॉक्स देने चाहिए कि वो कट ऑफ निकाल ले? अगर देखो मैम, एग्जाम बाय एग्जाम डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे वो मतलब 1 ईयर का प्रोग्राम अगर उसी ने किसी कोचिंग क्लासेस में लिया है, फिर अपनी क्लास में एक्सवाइजेड जहां पर भी लिया है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा जैसे उसके 3-4 टॉपिक खत्म हुए उसको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? तो ओवरऑल 40 to 50 मॉक उसका साल में हो जाते हैं, राइट? तो 40 to 50 मॉक अगर वो लगाएगा तो डेफिनेटली वो वहां पर अपने वीक एरियाज पकड़ पाएगा कि यार ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, इन टॉपिक में हमने सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं सारी बुक से, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो कम से कम अगर वो मॉक देता है ना मैम, हर मॉक में उसका मार्क इंप्रूव, 3-4 मॉक बाद देखते हैं उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर इंप्रूव हो रहा है मतलब बच्चा अच्छा कर रहा है, नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ ना कुछ पार्ट में दिक्कत है। तो उस पार्ट को वो सेपरेटली क्या करे, उसको तैयारी करे, मेंटर से डिस्कस करे। हाँ, और यहाँ पर एक अच्छा मेंटर होना भी बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को एक अच्छे मेंटर से कंसल्ट करना है, नहीं तो ऐसा भी काम नहीं बनेगा, राइट? तो उसे ये देखना है कि कौन कौन से उसके वीक एरियाज हैं, उन पर उसे वर्क करते जाना है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उससे वो बनने लगते हैं अगर उन वीक एरियाज पे काम करता है। तो मॉक देना अल्टीमेटली है क्या मैम, हमारी गलतियों को ढूंढना। हम अगर मॉक देते हैं तो हम देखते हैं हमसे क्या गलती हुई, उसी को तो हम रेक्टिफाई करते हैं नेक्स्ट मॉक में। आप ये 40 to 50 मॉक अगर आप प्रैक्टिस करते हो इन अ ईयर, तो आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं आप उनको रेक्टिफाई कर लोगे, राइट? जो जो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं, होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज्यादा मत करो कि आप रेस से बाहर हो जाओ, राइट? तो आपके पास जो टाइम होता है ना, वो 2 घंटे का, सब हर का अलग अलग टाइम है, तो जो टाइम होता है ना वही आपकी लाइफ बनाएगा गाइस। तो वहां पर आपको 100% देना है, और जो गलतियां आपने घर में की है वो वहां नहीं करना। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ मॉक ज्यादा से ज्यादा दो, और दे दो 100 मॉक दे लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सारी गलतियां घर पे कर लो, जितने पाप करना है घर पे कर लो, एग्जाम में आपको एक पाप भी माफ नहीं होगा, क्योंकि एक पाप आपकी रैंक को बहुत नीचे ला सकता है। ठीक है सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई थिंक स्टूडेंट्स को काफी अच्छा एडवाइस मिला होगा। बस एक लास्ट टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब मैथ्स से जो स्टूडेंट डरते हैं, तो मैं तो सीधा एक ही बात बोलूंगा यार, जिस चीज से आप डरते हो ना, जिससे डरते हो उसमें घुस जाओ, तरीके से लग जाओ, दिन रात एक कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, थोड़ी स्टार्टिंग में परेशानी आएंगी, लेकिन आप एक बार उस लेवल पर पहुंच जाओगे ना, फिर आपको वही सब्जेक्ट सबसे आसान लगने लगेगा, राइट? तो जो तरीका मैंने एंट्री करने का बताया ना, कि बस आप कूद जाओ मैदान में, फिर तो आपको अपनी जान कैसे बचानी वो आप जानते हो, वो धीरे धीरे आप सीख लोगे। तो आप डरो मत उससे,
फेस करो, फाइट करो यार, ये परिस्थितियां हैं, सभी तरीके की परिस्थितियां आती रहती हैं, उनसे फेस करके आप सीखते जाते हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप उस टाइप के क्वेश्चन सीखते जाते हो, नए क्वेश्चन सीखते जाते हो, और ये सारे टाइप के क्वेश्चन ही तो वहां एग्जाम में जाके रिपीट होना है, फिर आपको डर कैसा, जो पढ़ा है वही तो आ रहा है, फिर तो निकलेगा।